नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। लिविन में रह रहे कोरबा के युवक ने की खुदकुशी। आखिरी बार गर्लफ्रेंड से बात की थी, सुसाइड नोट में लिखा, जिंदगी से परेशान हो चुका हूं, नदी में कूद कर दी जान। दुर्ग जिले में लिविन में रह रहे एक युवक ने खुदकुशी कर ली है। मैं जान देने के लिए नदी में कूद गया था। इसके अलावा उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें लिखा है कि मैं जिंदगी से परेशान हो चुका हूं, इसलिए जान दे रहा हूं। मामला जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र का है। मूल रूप से कोरबा के बुधवारी बाजार इलाके का रहने वाला चंद्रशेखर सोनी 32 साल पिछले 4 साल से दुर्ग के आमापारा में अपनी गर्लफ्रेंड सावित्री देवांगन के साथ रह रहा था, जो यहाँ पर किसी चश्मा दुकान में काम करती है। सावित्री भी कोरबा की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर ने आखिरी बार 19 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड से बात की थी, जिसके बाद उसका फोन बंद आ रहा था। ये भी पता चला कि चंद्रशेखर परिवार को लेकर काफी दुखी था। इस बीच 19 जुलाई को जो बाइक लेकर घर से निकला था, पुल के पास से ही युवक की बाइक मिली है। इसके बाद वे डंडेसरा के पास शिवनाथ नदी पर बने ब्रिज के पास पहुंचा। पास में ही उसने अपनी बाइक खड़ी की और ब्रिज से नदी में छलांग लगा दी। आसपास खड़े लोगों ने उसे नदी में छलांग लगाते देखा था, जिसके बाद इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी। 2 दिन बाद मिला शव। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों को भी उसकी तलाश के लिए नदी में उतारा गया था, जिसके बाद उसका शव शुक्रवार शाम को करीब 2 दिन बाद मिला था। लाश में निकलने के बाद पुलिस ने उसके कपड़ों की तलाशी ली तो उसमें से सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने लिखा था कि वह अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो गया है और आत्महत्या कर रहा है, इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। साथ ही उसे सावित्री का मोबाइल नंबर भी लिखा था। गोताखोरों को उसकी तलाश करने नदी में उतारा गया था। काफी मशक्कत के बाद युवक का शव मिला। उस नंबर पर पुलिस ने फोन करके प्रेमिका को बुलाया। इसके बाद उसके शव की पहचान चंद्रशेखर सोनी के रूप में की। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया और उसे परिवार वालों को सौंप दिया है। अब रविवार को पूरे मामले की जानकारी सामने आ सकी है। पुलिस उसकी गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ कर रही है। जेवरा सिरसा पुलिस चौकी युवक की प्रेमिका से भी पूछताछ कर रही है। प्रेमिका को भेज दिया था कोरबा। खुदकुशी करने से 1 महीने पहले चंद्रशेखर ने अपनी प्रेमिका ये कहते हुए कोरबा भेज दिया था कि वे उसकी नौकरी किसी कंपनी में लग गई है, अब उसके साथ कोरबा में ही रहेगा। उधर लगातार फोन करने के बाद भी जब चंद्रशेखर से संपर्क न हो सका तो सावित्री शुक्रवार को कोरबा से दुर्ग आई। वो जब चश्मा दुकान गई तो वहाँ भी जानकारी नहीं मिली। इस दौरान जेवरा सिरसा चौकी पुलिस ने उसे फोन किया कि डांडेसरा में नदी में किसी युवक की लाश मिली है। फिर जब वे मौके पर पहुंची तब उसने अपने प्रेमी का शव देखा था। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।